गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर था हमारा क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट का। हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो एक बार हम उसका हल्का सा रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था? इफ फिजिकल कंडीशंस आर रिमेन कॉन्स्टेंट देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। यानी मैथमेटिकल फॉर्म लिखे हम ओम्स लॉ के, हम लिख सकते हैं वी इज प्रोपोर्शनल टू आर। हमने एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाई किए वी, ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हमने वी। तो इसमें से जो हमारी करंट फ्लो होगी वो इस वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो ये है हमारा ओम्स लॉ। अब यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लिया आर, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हो गया हमारा आर, जिसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। तो ये जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है ये हमारा रेजिस्टेंस। अब हम बात करें रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो यूनिट ऑफ आर निकाले हम, तो यूनिट ऑफ आर इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर विच इज नॉन एज ओम। यानी यूनिट ऑफ आर है हमारी ओम, ये ऐसा यूनिट है हमारी रेजिस्टेंस की, ऐसा यूनिट ऑफ आर इज ओम, जिसको हम क्या कर सकते, लिख सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर भी हम इसको लिख सकते हैं। अब हम बात करें डायमेंशन ऑफ आर। डायमेंशन ऑफ आर क्या होगा हमारा फ्रॉम ओम्स लॉ, R is equals to V upon I. Now we know that potential difference V is equals to W upon Q. So now we can say V is equals to W upon Q into I. And we know that from the definition of current, I is equals to Q upon T. That means Q is equals to I into T. So now W upon Q is equals to I into T into I. Now W upon I square T. तो डायमेंशन ऑफ R के लिए हम लिख सकते हैं कि R is equal to V upon I. हम फाइंड कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ R. From Ohm's law, R is equal to V upon I is equal to W upon Q. We know that potential difference is equal to W upon Q. Now we can say R is equals to W upon I square T. तो हमें dimension of R find करनी है। तो dimension of R is equals to dimension of W, dimension of work upon dimension of current and dimension of time. तो dimension of work is M1 L2 T minus 2. Dimension of current is A2 and dimension of time is T1. Now we can say dimension of R is M1 L2 T minus 3 A minus. So dimension of R here M1 L2 T minus 3 A minus 2. Note down. बात करते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है जिसको हम R से डिनोट करते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, जिसकी यूनिट अभी हमने निकाली डायमेंशन और यूनिट। अब हमने देखा कि जो हमारा कंडक्टर लिया हमने, जिसकी हमने लेंथ ली एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया हमने ए, तो हमने देखा जो हमारा आर है, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के तो प्रोपोर्शनल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने देखा आर इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो नाउ वी कैन से आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो हमने यहाँ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लिया रो। तो ये जो हमारा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है रो, इसको कहते हैं हम रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो ये हमारा जो आर है किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, एक डिपेंड कर रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या है। तो ये जो हमारा रो है इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसका एक और नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर।
तो जब हमने देखा था ओम्स लॉ में, हमने कुछ कंडीशन रखी थी कि हमारा आर कांस्टेंट होता है, वहां पर ओम्स लॉ में तो कंडीशन रखी थी कि इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट लाइक दैट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर एटसेट्रा, वो इसलिए रखी थी क्योंकि हमारा आर कॉन्स्टेंट रखने के लिए, आर जब कॉन्स्टेंट होगा कब होगा, जब ये क्वांटिटी हमारी कॉन्स्टेंट होगी, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर एंड हमारा रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, हमारी जो रजिस्टिविटी है ये रो है, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंडक्टर पर, और इसके साथ साथ डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंडक्टर के साथ में ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो हम कह सकते हैं कि हम ओम्स लॉ में कंडीशन डाली थी हमने कि हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर एटसेट्रा कॉन्स्टेंट रहे तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, वो इसलिए क्योंकि हमने R को कॉन्स्टेंट माना था, और कॉन्स्टेंट जब ले सकते हैं हम जब हमारी ये क्वांटिटी कॉन्स्टेंट होगी, क्योंकि हमारा R है वो रजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो जब हमारा R कॉन्स्टेंट होगा तो यानी ये क्वांटिटी कॉन्स्टेंट होनी जरूरी है, इसलिए हमने ओम्स लॉ में कंडीशन डाला। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, जो कि किस पर डिपेंड करता है, रो एल ए पर डिपेंड करता है। अब एक नई टर्म निकल के आई है हमारे पास, ये क्या है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करी है वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजिस्टिविटी है क्या। अब जैसे हमने आप आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, तो इफ ए इज इक्वल्स टू 1 meter square, एल इज इक्वल्स टू 1 meter, यानी हम कोई कंडक्टर लें उसकी लेंथ कितनी रखें यूनिट, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना रखें यूनिट। तो हम देखेंगे कि हम वैल्यू पुट करें ए इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 1, दैट मींस हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू रो, यानी अगर यूनिट लेंथ का कोई हम कंडक्टर ले रहे हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूनिट है, तो उस कंडक्टर की जो रजिस्टेंस होगा वो उसकी रजिस्टिविटी के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि द रजिस्टिविटी ऑफ the substance of conductor is equal to the resistance that substance conductor which have unit length and unit cross section, unit cross section. So the resistivity of the substance of conductor is equal to the resistance of that substance conductor which have unit length and unit cross section area. नहीं, हमको किसी सब्सटेंस की, किसी मटेरियल की रजिस्टिविटी फाइंड करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, उसी सब्सटेंस का कंडक्टर लेंगे जिसकी लेंथ कितनी होगी यूनिट और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना होगा यूनिट होगा, तो उसका जो रजिस्टेंस आएगा उस मटेरियल की रजिस्टिविटी के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं द रजिस्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू द रजिस्टेंस ऑफ दैट सब्सटेंस कंडक्टर विच हैव यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ऐसा हमने कंडक्टिंग मटेरियल लिया। अब जैसे हमने यहाँ बात करें कॉपर का, हमको कॉपर की रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है कि कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या है, तो हम कॉपर का ही एक कंडक्टर लेंगे जिसकी यूनिट लेंथ रखेंगे, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया रखेंगे, तो उस जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो हमारे कॉपर की रेजिस्टिविटी को बता देगा। हम कह सकते हैं द रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट सब्सटेंस कंडक्टर which have unit length and unit cross-sectional area. अब हम जो बात करेंगे आगे वो है हमारी रजिस्टिविटी की यूनिट और रजिस्टिविटी की डायमेंशन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि आगे हमने जो फॉर्मूला लिखा है रजिस्टेंस का, रजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो इससे हम लिख सकते हैं कि रजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब हम बात करें यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी को हम लिख सकते हैं, यहाँ यूनिट ऑफ आर इज ओम, यूनिट ऑफ
क्रॉस सेक्शनल एरिया इज मीटर स्क्वायर एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. तो नाउ यूनिट ऑफ ओम मीटर, या इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं ओम मीटर. तो हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हो गई हमारी ओम मीटर. अब हम डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी की बात करें तो डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू, अब हमारा जो आर आया था उसका जो डायमेंशन हमने फाइंड किया था वो था अभी एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू. अब हम यहाँ लिख सकते हैं यूनिट ऑफ सॉरी डायमेंशन ऑफ आर इज एम वन एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू. डायमेंशन ऑफ ए इज एल टू एंड डायमेंशन ऑफ एल इज एल वन. तो नाउ वी कैन से डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी इज एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस. ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी का यूनिट विच इज ओम मीटर एंड डायमेंशन ऑफ रो एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस. तो हमने देखा कि जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो किस पर डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड करती है हमारे नेचर ऑफ कंडक्टर पर. जो हमारा रो है किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर पर. यानी जैसे हम बात करें कि हम कॉपर का कोई भी कंडक्टर लेंगे तो उन कॉपर के सभी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी एक होगी. यानी कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग है, आयरन की रेजिस्टिविटी अलग है. ये हमारी रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ कंडक्टर पर. यानी हमारा कंडक्टर मटेरियल कैसा है, और एक डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर के साथ में भी वैरी होती है. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी रेजिस्टिविटी है वो नेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करती है और एज वेल एज हमारे टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है. तो इसकी यूनिट हो गई ओम मीटर और डायमेंशन हो गई एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू. अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर, जो कि रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर पर. तो हम कह सकते हैं जो हमारी कंडक्टिविटी है जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो हम कह सकते हैं जो कंडक्टिविटी है सिग्मा वो हमारी रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होती है. तो हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज वन अपॉन ओम, दैट मीन्स वन अपॉन ओम मीटर. यानी हम इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. यानी हम कहेंगे जो हमारी यूनिट ऑफ सिग्मा है, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या होती है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स. तो इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स को महो मीटर इनवर्स, या एक और नेम है इसका सीमन मीटर इनवर्स. हम कह सकते हैं जो हमारी यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी है वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और महो मीटर इनवर्स या सीमन मीटर इनवर्स से हम डिनोट करते हैं. अब डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी की बात करें तो डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी. हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी इज एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस टू. नाउ वी कैन से डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी इज एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी थ्री ए टू. हम कह सकते हैं जो हमारे डायमेंशन ऑफ कंडक्टिविटी कितनी है, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी थ्री और ए टू. यानी हम कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है. तो रिलेशन ध्यान रखना हमको कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. यानी हमारे हम कोई कंडक्टर मटेरियल ले रहे हैं उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं तो उसकी कोई प्रॉपर्टी है जो कि करंट फ्लो का अपोज कर रही है, तो वो कहलाता है उसका रेजिस्टेंस. तो हम जब कंडक्टिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं, कोई भी मेटल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो मेटल कंडक्टर में जब हम उसमें से करंट फ्लो करते हैं, जब हम करंट फ्लो करेंगे तो हम देखते हैं कि करंट फ्लो मतलब क्या है, चार्ज का फ्लो. तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो अदर एटम से या अदर इलेक्ट्रॉन से उनका कोलिजन होता है. तो ये कोलिजन क्या करता है, इस कोलिजन से हमारे इलेक्ट्रॉन की स्पीड जीरो हो जाती है, फिर ये एक स्पीड से मूव करना स्टार्ट करता है. तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है इनके फ्लो के अंदर जो बैरियर का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, कोलिजन. तो हम कह सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है
उसका जो फ्लो करंट का जो फ्लो हो रहा है उसमें मेन जो बैरियर का काम कर रहा है यानी मेन जो अपोज कर रहा है करंट फ्लो का वो कौन कर रहा है, कोलिजन। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो है कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम, यानी इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में जो कोलिजन हो रहा है या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन हो रहा है वो ही हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस आर टू टाइप्स, ओमिक रेजिस्टेंस एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो हम सिंपली कह सकते हैं ओमिक रेजिस्टेंस, जो नेम से पता चल रहा है ओमिक रेजिस्टेंस मतलब विच फॉलो ओम्स लॉ ओमिक रेजिस्टेंस एंड विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। तो ओमिक रेजिस्टेंस में क्या सकते हैं दोस डिवाइस विच फॉलो ओम्स लॉ एंड जो ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ऑब्टेंड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी ओमिक डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं अगर हम जिनके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी करंट और वोल्टेज के बीच का जो ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन हो। तो हम कह सकते हैं कि ये डिवाइस हमारे ओमिक डिवाइस है। तो ओमिक डिवाइसेस के लिए जो हमारा करंट पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम ओमिक रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं और कोई ना कोई डिवाइस है जो ओमिक रेजिस्टेंस रखती है उसको कह सकते हैं ओमिक डिवाइस। तो ओमिक डिवाइस क्या है, विच फॉलो द ओम्स लॉ और ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो वो हो गया हमारा ओमिक रेजिस्टेंस। अब हम बात करें नॉन ओमिक रेजिस्टेंस की, तो दोस डिवाइस विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ एंड द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ऑब्टेंड इन द फॉर्म ऑफ कर्व, यानी हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन ना हो या कर्व की फॉर्म में हो तो वो हमारे हो गए नॉन ओमिक डिवाइस। तो हम लिख सकते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होंगे कि विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। तो हम लिख सकते हैं दोस डिवाइसेस विच डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ i.e. the graph between the potential difference v and current i is not in the form of a straight line करें कि हमारे नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होंगे कि जो कि हमारे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे यानी जिसमें हमारे वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। तो वोल्टेज और करंट प्रोपोर्शनल नहीं होंगे तो हम वोल्टेज और करंट के बीच में जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमको वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा यानी हमारा जो ग्राफ है वो कर्व की फॉर्म में मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। अब हम बात करें नॉन ओमिक रेजिस्टेंस कौन से हैं और नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन से हैं। तो जो भी हमारे जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं जो भी डिवाइसेज ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको कहते हैं ओमिक डिवाइसेज या ओमिक रेजिस्टेंस। तो हम बात करते हैं कि जब हम ओमिक डिवाइसेज को ही एट वेरी लो टेम्परेचर या एट वेरी हाई टेम्परेचर पर अगर हम उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस या करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है। तो मतलब जो भी हमारे मटेरियल हैं वह एक्सट्रीमली कंडीशन में ही ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। हम बहुत लो टेम्परेचर लें तो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे और हाई टेम्परेचर लें तो भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे यानी पर्टिकुलर कंडीशन में ही ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जैसे फॉर द एग्जांपल नॉन ओमिक डिवाइस का लें हम टॉर्च बल्ब। तो टॉर्च बल्ब में भी हम अगर वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचें ये कोई ग्राफ प्लॉट करें वोल्टेज और करंट के बीच में हेयर वोल्टेज V, करंट एम्पियर इन एम्पियर I, तो हम जब ये ग्राफ खींचते हैं तो जब हमारा वोल्टेज लो है तब हमें ये ओम्स लॉ को फॉलो करता हुआ ग्राफ मिलेगा लेकिन जब हमारा वोल्टेज हाई होगा, वोल्टेज हाई का मीन्स हमारी करंट भी ज्यादा हो रही है, वोल्टेज जैसे हमने बढ़ाया करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है और जैसे जैसे हमारी करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो हम कह सकते हैं कि हमारी करंट की वैल्यू बढ़ने से उसके अंदर
टेम्परेचर जनरेट हो रहा है, क्योंकि कोई भी कंडक्टर है ये कंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें करंट बढ़ने का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ रहा है पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पर सेकेंड जो इंक्रीज हो रहा है इसलिए हमारी करंट भी इंक्रीज होगी। तो जब हमारी करंट इंक्रीज होगी तो हम कहेंगे कि करंट इंक्रीज होने से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो इनके बीच में कोलिजन होगा और कोलिजन होगा तो यानी इनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी हम बात करें कि जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाते जाते हैं तो जैसे हमारी करंट इंक्रीज करते हैं हम, तो करंट इंक्रीज करने से वो हमारा जो टॉर्च का बल्ब का फिलामेंट है उस वो हीट जनरेट करेगा और हीट जनरेट करने से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से हमारी जो रजिस्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा जो रजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा और हम कहेंगे कि हमारी वोल्टेज के अक्रॉस में हमारी करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हम बात करें टॉर्च बल्ब के लिए, तो जब हम टॉर्च बल्ब में करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें ओम्स लॉ को फॉलो करता हुआ दिखता है, लेकिन एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर जब करंट की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तब हमारा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बढ़ जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ने से वो रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा और हमारी वोल्टेज और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं होंगे और करंट की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा टॉर्च बल्ब भी जब करंट की वैल्यू ज़्यादा हो तब ये मतलब एट हाई टेम्परेचर पर या एट हाई वोल्टेज पर ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी नॉन ओमिक डिवाइस बन जाता है। एक हम एग्जांपल ले डायोड, तो ये जो सेमीकंडक्टर डायोड है ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी ये भी हमारे नॉन ओमिक डिवाइसेज है। जब हम इनके लिए वोल्टेज और करंट का ग्राफ खींचते हैं तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे डायोड के लिए, कौन सा डायोड है हमारे, सेमीकंडक्टर डायोड, जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। तो हम दोनों बायसिंग में देखेंगे कि इनके ग्राफ है हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेंगे, यानी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारा नॉन ओमिक डिवाइस है क्योंकि ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा ग्राफ है ये भी शो कर रहा है कि ये जो हमारा डायोड है ये नॉन ओमिक डिवाइस है। और हम एग्जाम्पल लें और जैसे हमारा इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड, तो जब हम इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड के लिए भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड का ग्राफ हमने जो प्लॉट किया है वो भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे नॉन ओमिक डिवाइसेज फॉर द एग्जांपल हो गए टॉर्च बल्ब हो गया, डायोड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड हो गया और भी जैसे ट्रांजिस्टर है, तो ये सब है जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी जिनके वोल्टेज और अगर करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा, इसलिए हम कह सकते हैं V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट मींस डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, दिस कॉल्ड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक डिवाइसेस, नोट डाउन। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब जो हमारे लेबोरेटरी में काम में आते हैं, डोमेस्टिक अप्लायंस में काम में आते हैं, वो रेजिस्टर्स टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा वायर बाउंड रेजिस्टेंस, और एक होता है हमारा कार्बन रेजिस्टेंस। तो जो ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस है ये अलॉय मटेरियल के बने होते हैं, अलॉय मीनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। तो जब हम अलॉय काम में लेते हैं तो वो अलॉय मटेरियल काम में लेंगे तो एक तो हो गया हमारा एग्जांपल ले हम जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन, एक्सेट्रा। तो ये जो अलॉय मटेरियल है ये क्यों काम में लिए जाते हैं वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस में, क्योंकि जो इनका हम बात करें टेम्परेचर कॉम्फिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं ये नेगलिजिबल होता है, यानी
यानी इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो हम बात करेंगे कि रजिस्टिविटी, इनकी रजिस्टिविटी इनकी जो रजिस्टिविटी है वो वैरी नहीं करती है विद द टेम्परेचर। रजिस्टिविटी डज नॉट वैरी विद टेम्परेचर। हम कह सकते हैं कि वायर बाउंड रेजिस्टेंस में हम अलोय काम में लेते हैं। अलोय एग्जांपल हो गया नाइक्रोम मैग्नीन। अभी क्यों काम में लिए जाते हैं? क्योंकि इनके जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होता है, यानी इनकी रेजिस्टिविटी रो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती, इसलिए वायर बाउंड रेजिस्टेंस काम में लिए जाते हैं कोई भी रेजिस्टेंस बनाने में। लेकिन जब हम देखते हैं कि जब हमको हाई ऑर्डर की रेजिस्टेंस चाहिए, हाई ऑर्डर के रेजिस्टेंस चाहिए तो हमको नाइक्रोम या मैग्नीन के वायर लेने पड़ेंगे, और वायर के लिए हमें जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। हम कह सकते हैं कि अगर हमको हाई ऑर्डर के रेजिस्टेंस चाहिए तो उनकी लेंथ क्या लेनी पड़ेगी? ज्यादा लेनी पड़ेगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम लेना पड़ेगा। तो ये थोड़े कन्वीनियंट नहीं होते अगर हाई ऑर्डर के रेजिस्टेंस हमको लेने हैं। तो हाई ऑर्डर के रेजिस्टेंस के लिए हम क्या काम में लेते हैं? कार्बन रेजिस्टेंस काम में। कार्बन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि कार्बन को किसी बाउंडेड मटेरियल के साथ सिलेंड्रिकल फॉर्म में भरा जाता है और इसके दोनों ओर कनेक्टिंग वायर लगा दिए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कार्बन के अंदर कार्बन जो रेजिस्टेंस है, एक तो इसका जो मेन यूज करने ज्यादा यूज इसलिए होता है क्योंकि एक तो इसका स्मॉल साइज है और इसकी प्राइस भी चीप है, तो इसलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है। एक तो हाई ऑर्डर का रेजिस्टेंस मिल रहा है जिसकी साइज भी स्मॉल है और प्राइस भी चीप है। तो ये जो कार्बन रेजिस्टेंस है, इसको कार्बन को सिलेंड्रिकल फॉर्म में किसी बाउंडेड मटेरियल से बाउंड करके और इसके टू कनेक्टिंग वायर लगा दिए जाते हैं। अब जो हम कार्बन रेजिस्टेंस काम में लेते हैं तो कार्बन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो कलर कोड के फॉर्म में होती है, यानी हम कहते हैं कि इस कार्बन रेजिस्टेंस पर कलर बैंड बने हुए होते हैं। इन कलर बैंड के अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब ये क्यों काम में लिए जाते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि इनकी रजिस्टिविटी हाई है। एक तो इनकी रजिस्टिविटी रो इनका हाई होता है, एक तो इनकी रजिस्टिविटी हाई है। सेकंड, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टेंस यानी जो हमारा अल्फा है यानी नेग्लिजिबल, यानी टेम्परेचर के साथ में हमारा जो रजिस्टिविटी है वो बहुत कम वेरी करती है, नेग्लिजिबल वेरी करती है। हमारे कार्बन रजिस्टेंस के कलर कोड की टेबल, तो सिंपल है इसको लर्न करना। या देखिए जो हमारे कलर्स के जो फर्स्ट नेम है इनसे हम एक ट्रिक बना सकते हैं। देखिए ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। तो यहाँ देखिए बी, फर्स्ट लेटर बी आर ओ वाई जी बी वी जी डब्लू जी एस एन। तो देखिए यहाँ पर बी बी रोय एक पर्सन है, इनका नाम है बी बी रोय, कहाँ रहते हैं? ग्रेट ब्रिटेन। इनकी वाइफ वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नेकलेस। तो बी बी रोय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गोल्डन सिल्वर नेकलेस। तो इस तरह इस ट्रिक से हम इस टेबल के जो कलर्स को याद कर सकते हैं। अब आगे देखिए बी के आगे जीरो, फर्स्ट डिजिट काउंटिंग जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और यही काउंटिंग फिर हम मल्टीप्लायर के फॉर्म में लिखेंगे तो 10 टू द पावर आ जाएगी। तो 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और गोल्डन और सिल्वर का होता है 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर माइनस 2। फिर आता है हमारा टॉलरेंस, वो सिर्फ गोल्डन सिल्वर और नो कलर का 5%, 10% एंड 20%। तो ये हमारे कलर कोड की टेबल है। तो जो हमारा कार्बन रेजिस्टेंस होता है जिसमें हम कार्बन को एक बाइंडिंग एजेंट से सिलेंड्रिकल फॉर्म में बाइंड किए हुए होते हैं और इस पर हमारे 3 और 4 हमारे कलर बैंड की बनी हुई होती है, 3 और 4 कलर बैंड बनी हुई है। अब हम इससे कैसे फाइंड करते हैं? तो जो हमारी जो फर्स्ट टू हमारी जो बैंड है, जो फर्स्ट टू बैंड है वो हमारे जो हमारी वैल्यू है इसको शो करती है, जो थर्ड बैंड है वो मल्टीप्लायर को शो करती है, और जो फोर्थ बैंड है वो टोल
परफॉर्मेंस को शो करेगी। तो जो फर्स्ट टू बैंड है वो इसकी वैल्यू को शो करेगी, थर्ड मल्टीप्लायर को शो करेगी एंड फोर्थ बैंड हमारे टॉलरेंस को शो करेगी। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट टू ये हमारे कोड जो भी डिजिट है उसको शो करेगी, थर्ड हमारे मल्टीप्लायर में आएगी और फोर्थ है हमारे टॉलरेंस को शो करेगी। सिग्निफिकेंट कोड जो भी हमारा कोड है वो उसको शो करेगी। अब फॉर द एग्जांपल लें, एग्जांपल लेते हैं कि कोई कार्बन रेजिस्टेंस है हमारा, इस कार्बन रेजिस्टेंस पर ये फोर कलर की बैंड है, ये बैंड हमारी रेड, दिस इज व्हाइट, दिस ग्रीन एंड दिस सिल्वर। तो हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इसी बेस पे आते हैं कि या तो हमको कार्बन रजिस्टर के कलर कोड गिवन है, कलर गिवन है उसके कोड से हमको उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, या हमें वैल्यू गिवन होती है उससे हमें उसके कलर फाइंड करने होते हैं। तो यहाँ पर हमको एग्जाम्पल लिया है कार्बन रजिस्टेंस गिवन है जिसके हमको कलर बैंड के कलर नेम गिवन है। हम यहाँ देखेंगे टेबल से फर्स्ट ऑफ जो हमारी बैंड है वो रेड है, तो हम रेड के लिए जो हमारा जो कोड है वो क्या है टू, हम कहेंगे रेड के लिए हमारा कोड है टू। फिर सेकंड कलर बैंड है व्हाइट, तो व्हाइट के लिए कोड है हमारा नाइन, तो व्हाइट के लिए कोड हो गया हमारा नाइन। अब जो हमारे फर्स्ट टू बैंड है वो तो डायरेक्टली हमने कोड लिख दिए, जो थर्ड बैंड है उसको मल्टीप्लायर के फॉर्म में लिखेंगे। थर्ड बैंड क्या है हमारी ग्रीन, तो इसके मल्टीप्लायर के फॉर्म में ग्रीन का कोड है 10^5, तो हम यहाँ लिखेंगे 10^5। अब है जो फोर्थ बैंड है वो टॉलरेंस शो करती है, तो हम यहाँ देखेंगे सिल्वर का है टॉलरेंस 10%, जिसको हम लिखते हैं प्लस माइनस 10%। तो ये आ गई हमारे कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू। टॉलरेंस का मीनिंग क्या होता है, टॉलरेंस का मतलब ये है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, कि ये हमारे कितना एक्यूरेट है हमारा रेजिस्टेंस, तो यानी प्लस माइनस 10% तक इसकी एक्यूरेसी है, यानी प्लस 10% कर लीजिए और माइनस 10% इसके बीच में हमारे कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इतनी एक्यूरेसी इसकी इफेक्ट करती है। तो ये हो गया हमारा कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्रॉम द कलर बैंड। अब हम बात करें कि अगर हमको वैल्यू गिवन है और कलर कोड फाइंड करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल अब हमने वैल्यू ले ली जैसे 72 × 10^5 ± 5%, तो हम इस वैल्यू से हम कार्बन रेजिस्टेंस के कलर बैंड फाइंड कर सकते हैं। तो हमको पता है कि 7 किसकी होगी, वॉयलेट की, तो जो हमारा कार्बन रेजिस्टेंस है, ये जो हमारा कार्बन रेजिस्टेंस है इसकी जो फर्स्ट बैंड है वो कैसी होगी, वॉयलेट। जो हमारा सेकंड बैंड है वो कैसा होगा, टू, टू कोड है रेड का, तो सेकंड बैंड होगी हमारी रेड। जो हमारी थर्ड बैंड है वो मल्टीप्लायर को शो करेगी, तो 10^5 किसकी है, ग्रीन की, तो हम देखेंगे जो हमारी थर्ड बैंड है वो होगी ग्रीन। और जो फोर्थ बैंड है वो किसको शो करेगी, टॉलरेंस को, तो फोर्थ बैंड का टॉलरेंस कितना है 5%, दैट मींस जो हमारी फोर्थ बैंड है वो है हमारी गोल्डन। तो इससे हम अगर वैल्यू गिवन है तो उससे हम कलर कोड भी फाइंड कर सकते हैं, और कलर कोड गिवन है तो इस टेबल की हेल्प से हम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ईजी है, हमको बस टेबल लर्न करनी है। टेबल लर्न करने का ट्रिक है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गोल्डन सिल्वर नेकलेस, और इस टेबल को लर्न करके हम इस टेबल की हेल्प से कार्बन रेजिस्टेंस के अगर कलर बैंड के नेम गिवन है तो उसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और वैल्यू गिवन है तो कलर्स के नेम भी फाइंड कर सकते हैं। तो नोट डाउन कर लीजिए।